काउंटर पे तहकीकात करो, हमें जो लेजिटिमेट डाउट इस वजह से है क्योंकि आज से चार महीने पहले ही शोपियां में भी एक एनकाउंटर हुआ और आखिर में जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो एक फेक एनकाउंटर था जिसमें 3 नौजवान और एक 12 साल का बच्चा भी मारा गया। हमने उनसे बोला क्यों, उन्होंने बोला वो यहाँ पे शहीद हो गए हैं, हमें खुद पता नहीं है, वो तो एक स्टूडेंट है, उनके साथ इसको कैसे एनकाउंटर वो कह सकते हैं, ये नहीं है, ये तो इंसाफ हमें मिलना चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसा मेरे भाई के साथ आज हुआ, कल किसी और के भाई के साथ हो सकता है, ऐसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए। मुसलमान आपको मैं पूरे दुनिया के लोगों से कहना चाहता हूँ, क्या कोई मर्द नहीं है यहाँ? पूरे दुनिया में कोई किसी ने माँ का दूध नहीं पिया है? मैं इंसाफ चाहता हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरे बेटे का लाश चाहिए जो उधर भारत में है, जो भारत में उधर उधर इंसान मुझे रखा है, उस टाइम भी मुझे तोड़ाया, बहुत तोड़ाया, जिस तरह तो फिर गोद में उठा के दफन किया, कोई इंतजाम नहीं खता, उधर रैली भी नहीं दिया, उधर मैं किससे कहूँ, क्या ये हिंदुस्तान के लोग नहीं सुनते? मैं हर मुल्क के लोगों से कहना चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, वो 16 साल का बच्चा है, मैं तो ऑलरेडी मर गया, या तो मुझे मेरा बच्चा दे दो या मुझे वो ही दफना दो, मुझे मेरा बच्चा दे दो। अरे मैं तो सबको मर गया है, अरे ये सैनिक हम खुश हो गए, ये मेरे जिगर के टुकड़े को छीन के मार डाला उन्होंने, अब ये पैसे ये मेडल ये रखे होंगे अपने बच्चों के लिए, मेरे बच्चों को मार के अपने बच्चों को खिला रहा है, ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। हिंदुस्तान में क्या यही कानून है? क्या गवर्नर ने आज तक कोई बात नहीं की?